हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दार्जिलिंग इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स की जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उस पे एज लिमिट क्या रहने वाली है और कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों चलते चलते हम बात करेंगे, आइए चलते हैं। दोस्तों इसके लिए जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो फर्स्ट इंटेक जो था, फर्स्ट 2021 जो 2021 का पहला बैच जो 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जो कि अभी लगभग एक महीना बाकी है, ठीक है, 12-13 दिन बाकी है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, 12-13 दिन बाकी है, ठीक है, आज है 20 तारीख, ठीक है, 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तब तक वो लगभग आपके पास 10 दिन ये हैं और 2 दिन वो है, 13 दिन में जो आपका एयरफोर्स का जो बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए एज लिमिट आपकी क्या थी, ये 2 जनवरी ये आपकी थी 17 जनवरी, ठीक है, जनवरी 2001 सन 2000, ठीक है, और 2003 तक, ठीक, इसके लिए ये थी। और अब एक वैकेंसी ये वाला जिसे कोविड-19 की वजह से आपकी परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए आपको ये रैली भर्ती कराई गई, ठीक है। तो इस रैली भर्ती में क्या हुआ था कि आपको 6 महीने की आपको एज में कंसेशन दिया गया, क्योंकि आपका बैच 6 महीने बढ़ा दिया, ठीक है, 6 महीने जैसे बढ़ा दिए गए। तो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि आप देखो, दो भर्तियाँ हो चुकी है, ठीक है, 2 के लिए परीक्षाएं हो चुकी है, एक का अभी फाइनल होने वाला है और एक आपका सेकेंड इंटेक 2021, ठीक है, जो आपका जुलाई में जो जिसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। 2 का तो हो गया क्योंकि जो आपका फर्स्ट में कराना था 2 जनवरी से कराना था, जिसको ये आपका मार्च में परीक्षा होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाया, इसको बढ़ा दिया गया, तो उसका और जो पहले वाले स्टूडेंट उनको फर्स्ट में जनवरी में करा देंगे परीक्षा, अभी हुई नवंबर तो हुई 4 नवंबर से आपका 8 नवंबर। तो इस पे आपका क्या हुआ कि 6 महीने इनको भी कंसेशन दिया गया, क्योंकि एयरफोर्स ने ऑफिशियल वेबसाइट पे centralairmanselection.cdse पे आपको नोटिस भेजा था, 6 महीने आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया, क्योंकि आपका जो फर्स्ट में भेजना था 2021 में तो उसको सेकंड में भेजा, ठीक है, जुलाई पे होगा। अच्छा, अब नई वैकेंसी, अब एग्जाम आपका होगा, यानी आपके पास बचा जाके ये आपका फर्स्ट 2022, तो आपका परीक्षा, यानी आपकी परीक्षा जो स्टूडेंट कराएंगे, परीक्षाएं अभी नहीं होंगी, परीक्षा आपकी होंगी कि इसलिए क्योंकि आपको 2 तो हो गया, फर्स्ट और सेकंड 2021 का हो गया, लेकिन अभी 2022 का फर्स्ट यानी 2 जनवरी को भेजना, यानी आपको सितंबर तक आपकी परीक्षा अगर होती है तो वो उसका उसमें होता है 2000, देखो सितंबर में होएगी, तो उसका कब होएगा, साल भर बाद, लगभग 8-9 महीने बाद, यानी जुलाई में, जुलाई 2022 यानी सेकंड वाला हो जाएगा, तो ये आपकी परीक्षा मार्च में होगी, ठीक है, मार्च में कराएंगे, लगभग साल भर हो जाएगा आपका, 31 अक्टूबर को आपको BSA लाएगी, ठीक है, आपको मार्च में एग्जाम हो जाएगा, मार्च में 2021-2022 का फर्स्ट वाले के लिए आपका मार्च में एग्जाम होना है, ये तय है, ठीक है। और अच्छा, आपका एज क्या रहने वाली है, जैसा कि आपको पता है कि सन 2000 थी, ये जनवरी 2000, ठीक है, 17 या 19 जनवरी 2000 थी, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो, इतने में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। तो आपका एक साल बाद वाले के लिए ये मानिए, एक साल आप बढ़ा दीजिए तो 2001 हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 6 महीने का कंसेशन दिया जाता है तो 6 महीने और इसमें घटा दीजिए, तो यानी आपका जुलाई आपका लगभग 17 जुलाई आपका 2000 रहेगा, अगर आपको 6 महीने कंसेशन मिलता है तो आपको सन 2000 होगा, 2000 पे यानी जुलाई 2000, और अगर आपको कंसेशन नहीं मिलता है तो आपका कितना होगा, 2001। तो दोस्तों यही हम मैं बताना चाहता था, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या तो फेसबुक पे यूट्यूब पे कमेंट मारे पड़े हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, जो जानता भी नहीं उससे भी पूछे पड़े हैं, है? तो इसलिए मुझे लगा कि बताना चाहिए, आप लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, आप में से बहुत लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको टेंशन बना है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं, हमको कंसेशन मिलेगा या नहीं, हमारे पास कितने अटेम्प्ट थे, किसी के 2001 है DOB, किसी के 2000 है, तो अगर आपकी 2000 है और जुलाई के आसपास है, ठीक है, जुलाई के बाद की है, यानी जुलाई 2000 से 2001 के बीच है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आपको एक मौका मिल सकता है, ठीक है, अगर आपको कंसेशन दिया गया तो, और ना तो आपके पास वो और वैकेंसी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।